अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही कमाल की रेमेडी 2 इन 1। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन के बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, स्किन भी ग्लोइंग हो जाएगी। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें, देन स्टार्ट द रेमेडी। बहुत ही कमाल की रेमेडी, जैसे कि आजकल के मौसम में स्किन में बहुत ही चिपचिपाहट और डार्क सर्कल, इसके अलावा स्किन का कलर भी बहुत डल जाए, जैसे फेस का रंग अलग है, बाँसों का अलग है, तो उसके लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन भी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी और आपकी स्किन पर जितने भी डलनेस है वो भी खत्म हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की अमेजिंग रेमेडी आपके साथ शेयर करूँ। जैसे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे उससे भी स्किन को कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट ये वाली रेमेडी यूज़ करने से आपकी स्किन को बहुत ही अमेजिंग वाला रिजल्ट भी मिलेगा। आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपकी स्किन का कलर भी बहुत ही खूबसूरत हो, जैसे जैसे आपने ग्लोइंग सीरम यूज़ किया हो। तो इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले जो चीज़ें, एलोवेरा जेल जो आपको कहीं से भी इजीली बाजार से मिल सकती है, किसी भी ब्रांड का आप लेकर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फ्रेश आजकल के मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मैंने फ्रेश वाली एलोवेरा लिया और उसका मैंने जेल ले लिया। एलोवेरा के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग और आपकी स्किन के जो डलनेस है डार्क सर्कल्स खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपकी स्किन के कलर को, स्किन टोन के कलर को फेयर करती है, आपकी स्किन को एक फ्रेश से लुक देती है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन के एक्नी और गर्मी दाने और भी जो भी स्किन के प्रॉब्लम्स है वो भी सब सोल्व हो जाते हैं। सो ये मैंने लिया 2 टेबल स्पून के करीब मैंने एलोवेरा जेल लिया और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ हनी जो मैंने लिया 1 टेबल स्पून के करीब। शहद आपकी स्किन के अंदर एक अलग सी शाइन लेकर आता है, आपकी स्किन के अंदर ग्लोइंग लेकर आता है। इसके इस्तेमाल से आपको किसी भी ग्लोइंग सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन इससे बहुत ही खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। इससे आपके डार्क सर्कल भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन में एक अलग सी ग्लो आएगी, आपकी स्किन में एक फ्रेशनेस सी आएगी। सो हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसके इस्तेमाल से आपको कोई भी ग्लोइंग सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है हल्दी, वैसे तो आंबा हल्दी यूज़ की जाती है। अगर आपके पास आंबा हल्दी नहीं है तो आप अपने घर में जौन से भी हल्दी यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। हल्दी जौन से आपके स्किन को नेचुरली तरीके से ग्लो करती है और आपके स्किन को कलर का निखारती है। इसके अलावा जिन लोगों को डार्क सर्कल का बहुत ही सीवियर इशू है तो इसके इस्तेमाल से आपके डार्क सर्कल परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत और ग्लोइंग होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन में एक अलग सी फ्रेशनर, आपका कलर निखरना शुरू हो जाएगा। हल्दी का मोस्टली ज़्यादा इस्तेमाल उपटन में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसके साथ हम आधा चम्मच के करीब हल्दी वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ मैं ले रही हूँ अगला इंग्रेडिएंट 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया काफ़ी। आप किसी भी ब्रांड की काफ़ी ले सकते हो, काफ़ी भी आपकी स्किन के लिए डार्क सर्कल के लिए बहुत ही बेस्ट है, इसे तो मैं मैजिक कह सकती हूँ आपकी स्किन के लिए, क्योंकि डार्क सर्कल और स्किन के जितने भी मसाले हैं उनके ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही होती, उसकी वजह से आपका कलर और डार्क सर्कल का आपको मसला हो जाता है। तो डार्क सर्कल को ख़त्म करने के, स्किन को सेट करने के लिए काफ़ी से वो बेस्ट है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन का काम करती है। सो 1 टेबल स्पून के करीब मैं काफ़ी ले रही, वो मैंने ऐड कर दी। देन हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करी वो ऑल स्किन टाइप के लिए, ऑल स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। देन ये मिक्स हो चुकी है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। अब इस स्टेज में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दूध, रॉ मिल्क, कच्चा दूध आपने लेना 2 टेबल स्पून के करीब, वो हम ऐड कर देंगे और इसको अपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर कितने ज़बरदस्त। लो जी, हमारा डार्क सर्कल और स्किन ग्लोइंग सीरम जो है वो रेडी हो चुका है और हमें इसे लिक्विड फॉर्म में चाहिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सीरम बना और इसे अब हम अप्लाई करते हैं। सो आपने अच्छी तरह पहले क्लिनजिंग कर लेनी है, जब आप फेस या बॉडी या कहीं भी अप्लाई करें अपने, तो आपने अच्छी तरह क्लिनजिंग करके उसको इस तरह लगा लेना, देख लें कितना ज़बरदस्त सा, कितना स्मूथ सा ये लग रहा है। और आपने इस तरह लगाने के बाद इसको मैक्सिमम 20 से 25 मिनट तक आपने इसको लगाना और उसके बाद आपने इसको वैसे छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि 20 से 25 मिनट हो चुके हुए हैं, मैंने मैक्सिमम 25 मिनट तक लगाया, तो अब हम इसे वॉश करके मैं आपको दिखाती हूँ, देख लें। और आस्ते आस्ते उसका कलर आपको मैं दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त कलर है, और इसको मैंने अब वॉश कर लिया हुआ। अब मैं इसे टिश्यू की मदद से रिमूव करती हूँ, फिर मैं आपको उसका कलर दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त, इतने में मेरी स्किन इतनी फ्रेश हो चुकी हुई है। और आप इस रेमेडी को हफ्ते में डेली यूज़ कर सकती हैं, आप चाहे तो 3 से 4 दिन भी लगा सकती हैं, वैसे तो डेली यूज़ करें। देख लें मेरी स्किन का कलर कितना फेयर हो चुका है एक हैंड का, अभी मैंने एक दफ़ा लगाया, और इसे डेली यूज़ करने से आपकी स्किन कलर बहुत ही फेयर होना शुरू हो जाएगा और स्किन में अलग से फ्रेशनेस सी आएगी, डलनेस भी खत्म हो जाएगी, आपकी स्किन भी ग्लोइंग करेगी और डार्क सर्कल भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी फ्रेश हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेमेडी बहुत अच्छी लगे, मेरी इस रेमेडी को आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी।